हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सेलेंस कोचिंग। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2, जो कि आपका मोशन का कंटिन्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg, एक बॉम्ब है जिसका मास कितना है 30 kg, रेस्ट पे है, ठीक है, एक्सप्लोड कर रहा है 2 pieces में। यानी जो एक बॉम्ब है ये एक्सप्लोड कर रहा है कितने, 2 pieces में, ठीक है। दोनों का मास दे रखा है 18 kg एंड 12 kg। वेलोसिटी दे रखी है आपको, 18 kg वाला जो मास है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 6 m/s। एंड काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको दूसरे वाले मास की, ठीक है। दो है ना, तो एक की तो वेलोसिटी गिवन है और दूसरे की आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको पता है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी। तो आपको पता है फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं सभी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है आपका, m1 = m2 = v2, क्लियर। अब देखो m1 कितना होगा आपका, 18। अब अगर आप इस मास की बात करोगे तो देखो ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे था यानी इसकी वेलोसिटी तो क्या होगी इस वाले मास की जो 30 kg है, अगर हम बिफोर कोलिजन देखें, मतलब एक्सप्लोड होने से पहले देखें, तो उसकी वेलोसिटी 0। तो मास मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, इसलिए उस चीज़ को नहीं दिखाएं, ठीक है। बाकी जो एक्सप्लोड होने के बाद बचा है उसमें हम क्या लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मास हो गया आपका 18 एंड वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, 6। सेकेंड कितना मास दिया हुआ है आपको, 12, एंड इसकी वेलोसिटी आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 18 × 6 / 12, 6 × 12 = 18, यानी आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई, v2। दूसरे वाले मास की वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, 9 m/s, ठीक है। अब सिंपल आपको क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी, वो भी दूसरे मास का, यानी कि 12 kg वाले मास का क्या निकालना है आपको, काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv² m क्या लेंगे हम, 12, ठीक है, क्योंकि दूसरे मास का निकालना, v कितना हो गया आपका, 9 × 9, ठीक है, 6 हो गया, तो आंसर इज़ 486 joule। जूल क्यों लिखा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है और ये आया है आपके 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। आपको 4 force दे रखे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक एंड फ्रिक्शनल। विच ऑफ दीज आर नॉन कंजर्वेटिव, आपसे पूछा है नॉन कंजर्वेटिव कौन सा होता है इसमें। तो सबसे पहले देखिए, 2 force होते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव होते हैं वो आपका किस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप कंजर्वेटिव की बात करें तो जनरली उसके एग्जांपल कौन से हो गए आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपका कंजर्वेटिव है। और नॉन कंजर्वेटिव की बात करें तो मैग्नेटिक एंड फ्रिक्शनल फोर्स। आप फ्रिक्शनल को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ये जो है आपके वो नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आपसे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे पूछा गया है, और नॉन कंजर्वेटिव पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया जिसमें फ्रिक्शनल ऑप्शन आपको हर बार गिवन है। तो जहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स आए वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इज इट क्लियर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि मैग्नेटिक और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों कैसे हैं, नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी सभी स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं, सबसे वीकेस्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे हमेशा वेट क्या होता है आपका? जीरो, ये तो सभी को पता होगा। और आपका लेवल जो है वो धीरे धीरे टफ होता जाएगा, जैसे रोटेशनल मोशन पे क्वेश्चन आएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन टफ आएंगे, वो सभी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, तो वेट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो भी आए हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m विद कांस्टेंट स्पीड v अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r अंडर द फोर्स इट्स स्पीड इज, देखो मास की बात हुई है यहाँ पे, कांस्टेंट स्पीड यानी v की बात हुई है, सर्कुलर पाथ की बात हुई है। सर्कुलर पाथ में आपसे फोर्स की बात हुई और स्पीड पूछा गया है, तो आपको पता है कि सर्कुलर पाथ में आपका सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा। ठीक है, जहाँ पे भी सर्कुलर मोशन की बात आएगा वहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा। ठीक है, जब भी सर्कल में कोई चीज़ होती है तो कौन सा फोर्स काम करता है? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो आपका जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? एम वी स्क्वायर बाय आर, यही होता है। आपसे पूछा क्या गया? स्पीड पूछा गया, यानी आपसे वी पूछा गया है। तो यहाँ से आप वी निकाल लो, ये हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई आर बाय एम। ठीक है, वी है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा आपका रूट में एफ आर बाय एम। ठीक, तो ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है सेंट्रिपिटल फोर्स का। क्लियर, तो रिलेशन आप निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग यूनिफॉर्म सर्कल हैविंग रेडियस r, द सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ द बॉडी इज। अब सिंपल इसमें क्या पूछ लिया गया है आपसे? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो अभी मैंने आपको करवाया एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये भी आपका TGT में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, टू मासेस M1 एंड M2 आर अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड पुली एज इट इज शोन इन द फिगर। इफ M1 आपको दे रखा है 7 kg एंड M2 कितना दे रखा है? 3 kg एंड g की वैल्यू गिवन है, तो एक्सीलरेशन ऑफ द मासेस निकालना है। देखो इसमें M1 कितना दे रखा है, यहाँ पे टेंशन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे T1 का टेंशन लगेगा, ये पुली के क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे कौन सा लगेगा आपका? T2। ठीक है, इसका मास आपको दे रखा है 7 kg और इसका मास दे रखा है आपको 3 kg। नीचे क्या लगता है हमेशा? M into G। अगर M और G को देखें, इसका मास कितना है? 7, और G की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहाँ पे 70 का वेट लगेगा, है ना, और यहाँ पे कितना वेट हो जाएगा इसका? 30। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका स्ट्रेस अपॉन फोर्स। ठीक है, एक्सीलरेशन अगर आप सिंपली भाषा में लिखें तो ये हो जाएगा आपका, ये फोर्स हो गया M2 माइनस में M1 पे G डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका टोटल यहाँ होगा आपका टोटल मास। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा M1
प्लस एम टू, ठीक है, सिंपल वैल्यू रख दो। एम टू कितना था आपका? थर्टी माइनस 70 डिवाइडेड बाय 30 माइनस में, सॉरी 2 माइनस m1 कितना हो जाएगा? अगर आप 7 माइनस 3 कर दो या फिर 3 माइनस 7 कर दो और नीचे टोटल मास कितना हो जाएगा? 10। नीचे क्या हो जाएगा आपका? 10, और मल्टीप्लाई में कर देंगे हम इसको 10। तो 7 माइनस में 3 कितना आ जाएगा आपका? 4। नेगेटिव का साइन आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, और मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 कैंसिल, और आंसर कितना आ जाएगा? एक्सीलरेशन आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। मास कितना गिवन है आपको? 4 kg एंड रेडियस कितना गिवन है आपको? 1 मीटर। और वेलोसिटी दे रखी है, वो भी कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि आपका हो गया ओमेगा। ठीक है, एंगुलर में ओमेगा, ये हो गया आपका 2 रेडियन पर सेकेंड। और आपसे पूछा है सेंट्रिपिटल फोर्स, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला कराया था सेंट्रिपिटल फोर्स का, क्या होता है? वो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर इसको हम और सॉल्व करें तो आपको पता है वी क्या होता है आपका? वी क्या होता है आपका? मैंने कल ही बताया था वी होगा आपका आर ओमेगा। रोटेशनल मोशन में अगर हम वेलोसिटी देखते हैं तो वो होता है आर ओमेगा। तो वी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स का। तो एक फार्मूला आप ये भी याद रखेंगे एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में, अदरवाइज आप मेन फार्मूला याद रखेंगे। और आपको पता हो कि वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तब भी आप निकाल सकते हैं। अब देखो सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, मास कितना है? 4। आर की वैल्यू कितनी है? 1। एंड ओमेगा कितना है? 2। 2 जा 4, ये आ गया आपका 16 न्यूटन। ठीक, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, सिंपल बेस फॉर्मूले हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए ज़रूर करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना। चलिए, एन आयरन बॉल एंड वुडन बॉल सेम रेडियस है, रिलीज किया जा रहा है सेम हाइट से वैक्यूम में, टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, आयरन की बॉल है एंड वुडन की बॉल है, सब कुछ सेम है, तो ये बताओ कि वो अर्थ जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तो कितना टाइम लेगा? देखो कोई भी हो वो टाइम क्या लेगा? एग्जैक्टली सेम ही लेगा, चाहे आयरन की बॉल हो या फिर वुडन की बॉल हो, टाइम क्या होगा दोनों का? सेम टाइम पे दोनों ग्राउंड पे पहुंचेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपको क्या दे रखा है? स्पीड दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। आपको रेडियस दे रखा है और सर्कुलर पाथ की बात की है, यानी कि आपका रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन है। इन हॉरिजॉन्टल प्लेन प्लम्ब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ। मानो कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है, एक रोड पे ना कार चल रही है, ठीक है, ये रोड है जो कि सर्कुलर पाथ में है, ठीक है, जिसका रेडियस वगैरह गिवन है।
कोई कार चल रही है, उसमें से ना एक प्लम्ब, मतलब एक मान लो जैसे कि आपने पत्थर, एक स्टोन किसी को एक धागे में या रोप में बांधा हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक प्लम्ब में उसको सस्पेंड किया, लटकाया हुआ है, ठीक है। ये कंपोनेंट बना लेते हैं जिसके संख्या मान रहा है ये एंगल थीटा। तो ये एक प्लम्ब है, ठीक है, जिसे सस्पेंड किया गया फ्रॉम दी कार, क्लियर। तो इस सस्पेंड, इस प्लम्ब पे क्या हो रहा होगा, नीचे क्या लगेगा, कौन सा वेट होगा नीचे, फोर्स mg, ठीक है। सर्कल में घूमेगा, सर्कल में जैसे हम पत्थर को घुमाते हैं ना रस्सी में बांध के, उसी तरह से। तो सर्कल में हमें हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा, एक तरफ सेंटर की तरफ mv² / r, ऊपर ये भी एंगल एक थीटा बनाएगा, ये कौन सा हो जाएगा t cos θ, और नीचे यहाँ पे कौन सा वर्क करेगा t sin θ, ठीक है। ये कंपोनेंट आई थिंक करना आता होगा ना आपको, चारों डायरेक्शन में हम देख लेंगे और इक्वल एंड अपोजिट कर देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे t cos θ किसके इक्वल है mg के, और t sin θ किसके इक्वल है mv² / r के। तो ये दोनों इक्वेशन हम लिख लेंगे, t cos θ किसके इक्वल है mg के, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, t sin θ किसके इक्वल हो गया आपका mv² / r के इक्वल, क्लियर। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, डिवाइड, फर्स्ट 2 एंड सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। इसको इरेज कर देते हैं, चलिए। तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका t sin θ डिवाइडेड बाय t cos θ इक्वल्स टू mv² / rmg, ठीक है। इस तरह से लिख पाएंगे आप, टी से टी कैंसिल, ये हो जाएगा आपका tan θ, m से m कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका v² / rg। अब देखो सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, tan θ, v² यानी v कितना गिवन है आपको, 10, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 10 × 10, और नीचे कितना है r × g, r कितना गिवन है 10, और g की वैल्यू भी आप क्या ले लेंगे 10, तो सब कुछ कैंसिल, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि 1 आ गया, और आपको पता है tan θ 45 कितना होता है आपका 1 होता है। इजी क्वेश्चन है ये, दो बार आया हुआ है, एक बार और आया हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगुलर स्पीड, ठीक है। एंगुलर स्पीड का मतलब क्या होता है, ओमेगा, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि गिवन क्या क्या है। एंगुलर स्पीड क्या है आपका, ओमेगा, चेंजेस फ्रॉम ω1 to ω2 विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल टॉर्क, बट ड्यू टू चेंज इन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन, रेडियाई ऑफ गायरेशन की बात की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होते हैं, रेडियाई ऑफ गायरेशन, इसका फॉर्मूला, इसको डिनोट किया जाता है के से, जो कि होता है √i/m, ठीक है। और इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, k² = i/m, ठीक है, k² = i/m। अब यहाँ पे हम बॉडी जो चेंज कर रहा है वो ओमेगा वन से ओमेगा टू में कर रहा है, तो K1 और K2 कर लेते हैं हम, रेडियाई और गायरेशन भी चेंज होगा आपका K1 / K2। मास तो दोनों का सेम ही है, मास तो एक ही बॉडी का है, तो चेंज क्या होगा आपका I1 / I2, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर
मोमेंटम। तो ये होगा आपका आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा आई वन बाय आई टू, अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टू बाय ओमेगा वन, ठीक है। ये आई वन और आई टू की वैल्यू आ गई। इसको अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका के वन, सॉरी ये के स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो के वन स्क्वायर और के टू का स्क्वायर, यानी के वन का स्क्वायर और के टू का स्क्वायर किसके इक्वल है, आई वन और आई टू को, और आई वन और आई टू किसके इक्वल है, ओमेगा टू और ओमेगा वन के। तो डायरेक्ट ओमेगा टू और ओमेगा वन लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएं तो ये क्या हो जाएगा, रूट। तो बस एक यही रिलेशन आपको एंगुलर स्पीड और रेडियाई ऑफ गायरेशन में निकालना था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, रूट में ओमेगा टू रेशो ओमेगा वन। क्लियर है, बस सिंपल रिलेशन निकालना था फॉर्मूले का यूज़ करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड बॉल इज रोलिंग ऑन अ टेबल, द रेशो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ये जो फॉर्मूला अभी हम करेंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है आपके रोटेशन में, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात करें अगर हम, टोटल एनर्जी रोटेशनल मोशन में, ठीक है, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो वो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन जो कि आपका लीनियर मोशन होता है, जो कि होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। रोटेशन की बात करें तो ये होता है आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। रोटेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन मोशन तो आपका लीनियर वाला हो गया, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर, वन बाय टू। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, सर्कुलर डिस्क का अलग होगा, रिंग का अलग होगा, सॉलिड स्फीयर का अलग होगा, ये मैं आपको एक जगह नोट करवा दूँगी, ठीक है। अब कुछ का तो मैंने आपको नोट करवाया भी होगा। तो यहाँ पे देखो सॉलिड बॉल की बात की, जो कि कैसी है, राउंड, यानी सॉलिड स्फीयर की बात की गई है। सॉलिड स्फीयर का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5। सबसे ज़्यादा आपका सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है, क्लियर, 2/5 एम आर का स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर साथ में है तो ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1/5 एम। अब देखो ये आर और ओमेगा, मैंने आपको रोटेशन मोशन में बताया आर ओमेगा किसके इक्वल होता है, वी के, तो मैं सिंपली इसे वी स्क्वायर लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/2 एम वी का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 10 आ गया, 5 2 जा 2 5 जा, यानी कि आपका आ गया 7/10 एम वी स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी आएगी, आपको रेशो किस में निकालना है, रोटेशनल में और टोटल एनर्जी में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में और काइनेटिक एनर्जी टोटल में। अगर रोटेशनल की बात करें तो देखो हमने ये रोटेशनल ही निकाला ना, हाँ 1/5 एम वी स्क्वायर, तो मैं लिख सकती हूँ 1/5 एम वी का स्क्वायर, और टोटल एनर्जी कितना आया आपका, 7/10 एम वी का स्क्वायर, एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2/7, रेशो क्या आ जाएगा, 2/7। तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये सॉल्व करना है। टोटल एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, रोटेशनल मोशन में जो आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। एक बॉडी है जो मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है, देखो आपको रोटेशन दिखा रखा है, ऐसे मूव कर रही है। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? सिंपल आपसे क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। देखो यहाँ से यहाँ तक, पी से क्यू तक, तो सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बस ये निकाल दो, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा आपका, जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है वो पी क्यू हो जाएगा, और फॉर्मूला लगा देंगे। रूट में आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, रूट में टू आर का स्क्वायर, यानी कि आर रूट टू। सिंपली फॉर्मूला निकाल के आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इज़ इट क्लियर? तो ऑप्शन इज डी। इजी क्वेश्चंस थे ये सभी, क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, और मैं सारे वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, जितने भी पॉसिबल हो रहा है मैं लेके आ रही हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड 20-25 क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर एक एक टॉपिक से रिलेटेड लेके आऊँगी 20-25 क्वेश्चन तो कैसे पॉसिबल है ना, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं हर एक यूनिट से, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर लाऊँगी, जिससे कि आपको हेल्प हो सके। क्लियर है? तो प्रैक्टिस करते रहिए, और एग्ज़ाम डेट की टेंशन मत लीजिए, जब भी होगा आप अपनी तैयारी पूरी करिए, ठीक है, जितना हो सके क्वेश्चंस लगाइए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता दें, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।